गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या हाल चाल है? सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। मम्मी इस टाइम ना दोपहर में चलाई ना करे, वैसे चलाई करे। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो मैंने मान ली। आपके लिए आज एक छोटा सा सरप्राइज है। वो सरप्राइज बता ही दूंगा, आड़ कुछ ना कर रहा मैं। सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज मैं बता ही दूंगा तो फिर सरप्राइज ना रहेगा, इसलिए ना बता रहा। ठीक है ना, मत बता, पर मैंने सरप्राइज मारना चाहिए। मैं कोई बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, क्या हूँ? शरीफ सा बालक मैं, कहाँ अड़ करता हूँ? तीन चार दिन पहले मैंने लिखा कि उठ रहा तेरा। तीन चार दिन पहले कैसे? ऐसे ही उठ रहा। कुछ अड़ तो ना करी यार, मैंने करी हो तो मेरा ध्यान नहीं है। मम्मी शिकायत आ रही है कि मेरी है? मम्मी दो रहा है शिकायत भाई हमारे काम में बेटा की है। मैं अगर शिकायत मतलब कुछ काम भी ना करूँगा ना, और वहाँ कुछ गलत होगा तो नू कह फलाने को छोरा था, है ना मम्मी? पहले ऐसा सीन था ना, लेकिन अब ना है। अब मैं भाई बहुत शांत और बढ़िया आदमी बन चुका हूँ, बिल्कुल नू लगा लो गऊ गऊ की तरिया ना मम्मी। चलो तो मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल, और मिलता हूँ आगे शाम को आपको। ओके ओके ओके, चलो भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप अपने घर होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो भाई आज है 20 तारीख और 20 तारीख को एलिस का मीटअप है, लेकिन मैं मीटअप में नहीं जा पा रहा, मनीष जा रहा है। मनीष पटियाला जा रहा था साथ में, तो मैं कह पटियाला तू एक काम कर मेरे साथ चल, आज कुछ भाइयों को और आप लोगों को मतलब कुछ सरप्राइज देना है, तो पटियाला को मैं लेकर जा रहा हूँ। पटियाला और संदीप और एक भाई और है, उनको लेकर आएंगे। प्राइस क्या है वो आप लोगों को पता चल जाएगा आगे वीडियो में, देखते रहना। तुमने बहुत खून पिया भाई मेरा, तुमने एक दो ने तो मुझे गाली भी दे दी इस चक्कर में। ठीक है तो सरप्राइज तुम बड़े यार, तुम्हें पता चल ना 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 थंबनेल में पता ना चलेगा तुम्हें, तो आगे देखोगे तभी पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। अभी एक बार मैं उन्हें बैठा लेता हूँ, लेट हो रहे हैं बार बार। यार मेरा पता क्या सीन है, मैं जब अपने रूम में जाकर लेट जाऊँ ना, तो फिर ऐसा मन कर लेट आ रहा है लेट आ रहा है, ऐसे करते करते दो ढाई घंटे बीत जाए पता ही ना चले। पर अब जल्दी से खींच के ले जाता हूँ एक बार। वे खड़े हैं बादशाहपुर, बादशाहपुर तो बैठा गया सीधा वहीं सरप्राइज के पास। आइए पटियाला लेट, आइए क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया एकदम सेक्सी। पटियाला लेट करवा दिया यार तूने आज। शाबाश, मैंने ही करवाया, अभी तो चलती गाड़ी में बैठा हूँ भाई। लेट हो गया यार, हम लेट हो गए भाई, उस भाई के फोन आने लग रहे बार बार। भाई हम ऐसा कर रहे हैं कि अपनी पर अभी तो बतानी ना है ना, तो हमारे तो कल पता चलेगी ना सरप्राइज की। सरप्राइज ना बतानी ना, हाँ पर बता देता हूँ कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां से भी एक गाड़ी लेकर आनी है हमने वापस। तो हम होगी कितने, एक दो तीन चार, चार जने जाएंगे एक गाड़ी में, दो जने ऐसा आएंगे। पांचवे का फोन आ रहा है कि मुझे भी ले चलो, पर हमारी थार में जगह नहीं। तो भाई इतने दिन से सरप्राइज 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 हो रही थी, क्या है सरप्राइज जतिन भाई? है अभी भी तुमने देख दी थार, तुम देख रहे हो सरप्राइज ऐसा क्या दोगे? तुमने दो दो इतनी दिल तक छूने वाली गाड़ी देख दी यार, हबीबी का तो तुमने पता ही है भाई। लोगों ने ना गाड़ी भी बकी है मुझे, जब मैंने नु कही ना अभी भी देख दी तो मुझे गाड़ी बकी है। आपके पास फोन आई कैसे? अच्छा जी, तो भाई बहुत से लोगों को तो पता चल गई थी, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेक ही नहीं है, आप देख ही नहीं सकते, वो तो प्यार है हमारा, पर बेक दी हमने, बेक दी ना भाई हमने। मेरे पास से वापस भाई को दम क्या आने लगी, अभी भी चला मत ले तो भाई, वो अभी भी जतिन भाई के नहीं भाई। लेकिन भाई अभी फिलहाल हम यहाँ आए थे भाई के पास, हमने गाड़ी देखी देखी कुछ ना थी, ठीक है आपके लिए सरप्राइज था। वो सरप्राइज क्या था वो बहुत से लोगों ने बता भी नहीं, डिटेलिंग के लिए गई है और उस पर पीपीएफ वगैरह करवा रहे हो, क्योंकि मैं पहले भी लोगों से बताया करता ना, तो बहुत से सही लोगों ने वो कर लिया था, गैस कर लिया था, लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं ना भैया आ रहे हैं जतिन भाई हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। अनफॉलो कर दिए पब्लिक ने भाई अभी भी के चक्कर में। मेरी मम्मी मेरा क्या कह रही, मगर ठीक है भाई। तो आंटी मांग रही थी वापस गाड़ी। हाँ वापस 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 ले लिए भाई, देख लो तुम्हारे कहने पर मम्मी कहने पर मैंने भाई तो गाड़ी वापस ले ली है। अभी फिलहाल क्या है इसके अंदर, इसके क्या काम हुआ है ये आपको अभी पता चल जाएगा जब इस काले पर्दे को हम हटाएंगे। टायर देख लो इतना तुम, ठीक है पर्दा भी छोटा पड़ेगा, टायर ज़्यादा बड़े हैं इसलिए। चले भाई करें स्टार्ट, लो तो आ जाओ पटियाला सेठ, वो कर इसने ऐसे उगाड़, ऋतिक रोशन की तरह उगाड़ दे इसने। क्यों ऋतिक रोशन ना है तू, उस तब तकड़ा है क्या? चल तो कोई ना, आ जा साथ साथ करेंगे, आ जाओ भाई साथ ही वो करेंगे। गाइस तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है जिसकी हम बात करें करते, अब एक बार वैसे ये जो काला पड़ रहा है ना इसको हटा के तो मैं रिवील कर देता हूँ कि कौन सी गाड़ी ली है। आ जाओ, वन टू थ्री।
ये बात गाइस, ये वही है जो तुम समझ रहे हो अपनी हबीबी भाई पर। इसमें देखो चेंज क्या हुआ है पटेल, चेंज क्या हुआ इसमें जो स्क्रैच लग रहे थे ना, जो हमारे दिल पे स्क्रैच लग रहे थे, हाँ वो खत्म करवा दिए, वो खत्म करवाए और वो खत्म करे हमारे भाई ने। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसका ना मैंने बहुत जगह इलाज ढूंढा पर मिला नहीं, पर हमारे भाई ने कर दिया। देखो तुम्हें दिखा देता हूँ कि कहाँ थे, तुम्हें पता भी ना चलेगी। ले ए, अब बता दो, परमानेंट इलाज हो चुका है। यहाँ थे भाई स्क्रैचेस बहुत ज्यादा, लेकिन अब कुछ भी ना दिख रहा। अब लग रही है कि यो हबीबी है। पहले तो नहीं लग रही थी यार, मतलब मेरा दिल ऐसा दुखे करता जब इन स्क्रैच देखे करता, मेरा वे दो बाड़ा की याद आए करते जिन वाकर ने डाली थी ना भाई, मैं आए करता देखे करता सीधे उनकी शकल छप जाया करती मेरे अंदर की। मैं यार क्या करूं, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था तो छोड़ो, लेकिन भाई ने सॉल्यूशन कर दिया इसका। अब तुम देख लो, एक चारों तरफ से दिखा देता हूं तुम्हें, कुछ नहीं है भाई दूर दूर तक। अब तो तुम्हें बिल्कुल दनादन चीज मिलेंगी, देखना यार। अब भी तो लुक लग रही है, अब भी तो लग रही है हबीबी, ये देखो। और तो और बहुत से लोगों ने बताया क्या बोला भाई मेरे से कि भाई हबीबी दे दी, चलो कोई बात नहीं, पर नंबर तो मत दो। अभी तो नंबर पर ही लग रही है भाई डिटेलिंग स्ट्रीट। अगर आप लोगों को भी ये कोटिंग वोटिंग करवानी हो ना, और करवा ही लो। अगर तुम नई गाड़ी ले रहे हो या पुरानी भी तुम्हारे पास है तो उससे कोटिंग या पीपीएफ वगैरह कुछ ना कुछ जो उपयोग करे ना वो करवा लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ एक और गाड़ी, उसमें मैं आते ही करवाऊँगा। आते ही करवा लोगे तो तुम्हारी गाड़ी बची रहेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें हो ही जाएगा। अभी मैंने स्विफ्ट पे नहीं करवा रखी, ठीक है? तो स्विफ्ट पे ना डेंट मार दिए, किसी ने पेच कस्त मार रखा है, किसी ने कुछ मार रखा है। अगर मेरी पे पन्नी चढ़ रही होती तो बच जाती। अब भाई करेगा, उसमें भी मैं लेकर आऊँगा दो चार दिन में। पर अभी तुम बता दो कि लुक कैसी आ रही है, हैं लग रही है जेन्युइन, देखना यार। ए ये ले पटियाला, फोटो लेकर डाल दियो बेशक इंस्टाग्राम पे, अभी भी बढ़िया लगेगी तेरे। हाँ अब लग रही है भाई आर पार चीज। अब तो रोड पे चलती उड़ भी, अब तो गाड़ी में बैठने के बाद, अभी मैंने सोचा करता कि हमार भी हो ना सामने, तो भी मैं वो ना करता, मतलब महसूस ना करता कि मेरे पास स्कॉर्पियो और हमार चल रही है। लेकिन अब तो मैं ऐसा मार दूंगा लात, ऐसे टेप मार रखी है या जो नंबर प्लेट टूटी पड़ी आपकी हो डिटेलिंग सीट की? अच्छा टेप लगा रखी है, इसके नीचे 0004 ही है। भाई क्या क्या करा आपने इस गाड़ी में? इसमें हमने करी है पहले कोटिंग, पहले डिटेलिंग, उसके बाद कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, उसके बाद फिर ब्लैक पीपीएफ। मतलब कोई दिक्कत परेशानी ना है ना? कोई लोग बाग मेरे तो कह रहे कि भाई ब्लैक पीपीएफ तो आती नहीं है। ब्लैक पीपीएफ भी आती है, कोई से भी कलर की पीपीएफ सारी है, सारी आती है। तो इसे मैं येलो करवाना चाहूँगा, येलो येलो रैप हो, येलो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पीपीएफ पे जाओ, येलो रैप हो, रैप होगा, पर येलो मैं करवाऊंगा ना। इसका जो है स्कॉर्पियो का जो लुक है वो ब्लैक में ही। मैं मेरा कहना पता है क्या भाई, इसके तो दो कलर है, एक वो खड़ा वो और एक ये है ना, इसके अलावा मुझे कोई और पसंद भी नहीं है सही बताऊं तो। पर हमने पीपीएफ वो वाली करी है, इस पे जो आप इस पे क्लॉथ लगाएंगे जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ, आप इस पे क्लॉथ यूज करेंगे स्क्रैचेस सेल्फ हील हो जाएंगे सनलाइट से। अच्छा ये तो और बढ़िया चीज है। होनी चाहिए, देखो पक्की बात है ना, वारंटी है। हाँ फिर ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, जैसे कि ये इन पे थोड़ा सा वो होता है, स्कॉर्पियो में बहुत से लोगों को डाउट है कि भाई पेंट उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, उतरता है ना भाई? नहीं, अगर रीपेंट है तो उतरता, रीपेंट है अगर जो शोरूम से सीधा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं से कहीं तक इतना सारा पेंट नहीं निकलेगा। अच्छा अगर ये पार्ट थोड़ा सा रीपेंट है, हाँ। रीपेंट में ये नहीं कि आपकी पूरी पेंट निकल, नहीं रीपेंट में डॉट निकल सकता है अगर रीपेंट है तो। रीपेंट में मतलब ये लगा लो जैसे कि ये बोनट है, हाँ। ये बोनट तो रीपेंट है तो निकल जाएगा पेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लास्टिक वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला प्लास्टिक कंपनी से पेंट है, हाँ तो ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो मेरा तो कंपनी का ही था, नहीं निकलेगा ना, फिर ठीक है। ये तो और बढ़िया बात बता दी भाई ने, मैं तो डर रहा था मैं यार कभी निकल ना जा रहा, पर भाई भाई ने काम बहुत बढ़िया करा, एक नंबर चीज करी है। अभी प्रोशील्ड की वीडियो करी है, क्या करी है? प्रोशील्ड की वीडियो। अच्छा प्रोशील्ड नाम से का ब्रांड है प्रोशील्ड। अच्छा वीडियो करी,
देखो नाम तो सुना हुआ है भाई मैंने प्रोशील, हाँ पर बढ़िया भी चीज़ है। अभी जो थोड़े बहुत आप तुमने ये दिख रहे होंगे ना, ये छोटे थोड़े से, ये जैसे धूप में खड़ी होएगी गाड़ी तो हो जाएगी सेट। तो कभी भी अगर आप लोगों को आना हो अपनी गाड़ी पे पीपीएफ वगैरह कुछ भी करवानी हो तो भाई तक कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर और वो डाल दूंगा एड्रेस वगैरह, लेकिन मेरे नंबर लेने की कोशिश मत करना, मनीष का नंबर लेने की कोशिश मत करना कि भाई कौन है नंबर। हाँ भाई के पास है ही नहीं नंबर, हाँ सच बता रहा हूँ मैं कि भाई के पास नंबर ही नहीं है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात हुई थी और एक बार फ़ोन करा था वो इसकी उससे फ़ोन करा था, वो भी हमने किसी किराएदार की आईडी पे ले रखा नंबर जिससे हम ऐसे डील करते हैं। नहीं भाई पर चलो कोई बात नहीं भाई, तुम देख लेना भाई की शक्ल देख लो, आते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा ना भाई, तुम आओगे वैसे ही डिस्काउंट मिलेगा, मेरा नाम ले दोगे तो। और इस ब्रांच पे भी मिलेगा, किसी भी ब्रांच पे जाओगे, जाओगे गुड़गांव में भी है, गुड़गांव में भी मिलेगा। अच्छा गुड़गांव में भी है, गुड़गांव में भी है। फिर हम इतनी दूर क्यों बुलाए? गुड़गांव भाई का प्यार है भाई, बिल्कुल भाई है हमारे। और गुड़गांव तो बढ़िया, मैं कहूँगा तुम यहाँ आओगे ना तो भाई मैंने देखो यहाँ का काम देखा है तो मैं यहाँ का सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ ये काम है, ठीक है ना। अब मैंने वहाँ का कुछ पता नहीं है भाई, मुझे वहाँ का कुछ पता नहीं है, मैंने काम करवाया है यहाँ तो मैं यहाँ का बता सकता हूँ कि भाई एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से और बढ़िया करी गई है। अब तुम देख लो, आप लोग देख लो जैसा काम यहाँ है, हाँ ऐसा ही काम हमारी सारी ब्रांचेस। हमने भाई अपनी थार भी यहीं कराई थी, अब थार पर काम इतना अच्छा लगा ना मुझे तो मैं अपनी स्कॉर्पियो पर भी यहीं पर करवाना आया हूँ। तो तुम लोगों को भी अगर करवानी हो गाड़ी में तो करवा लेना, भाई का यहाँ नोएडा में है, नोएडा में मैं अपना एड्रेस वेड्रेस जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम आ जाना ठीक है। अब भाई यहाँ आए थे तो मैं कहा भाई थार पे और थोड़ी सी पॉलिश वॉलिश कर दो जो चमाचम हो जाए अपनी गाड़ी, ठीक है यार। इसमें मैंने एक चीज़ बहुत वो लगी, मैं ना इस गाड़ी पे बैठे उठे करता, मतलब कि ऊपर चढ़ जाया करता हर एक चीज़, तो यहाँ ना थोड़ा सा इस लाइन पर डेंट पड़गा, जो बड़ी मतलब यहाँ भी पड़ गया था डेंट तो, लेकिन उन्होंने ऐसा करके निकाल दिया। जो यो डेंट है ना यो थोड़ा सा रहेगा, इतना पता ना चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात ना, कैसी लग रही है बस इतना कमेंट करके तुम जरूर बता दो। और अपनी थार भी अभी हो रही है, तैयार हो रही है, यो भी कती चमाचम हो जाएगी, दोनों की गैल फिर एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। हुआ बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गया भाई। पटियाला घमंड बहुत है तेरे में, बहुत ज़्यादा भाई। देखो घमंड जो है ना वो कम होना चाहिए, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जिसमें ज़्यादा हो जाता है ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। क्यों पटियाला? किसी किसी जगह दिखाया जाता है, हाँ कहीं कहीं दिखाया जाता है, किसी किसी लोगों को दिखाया जाता है। मतलब मेरे में कोई घमंड है तो मैं नू नहीं कि सब तो ही घमंड में बात करूँगा ना, हाँ थोड़े प्यार से बात करूँगा। अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे तक कुछ बोल रखा हो या कुछ बोल रखा हो, मैं उन तक थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखा सकता हूँ, लेकिन उन तक काटा मार देंगे हम तो, हाँ काटा ही मार देंगे, वो घमंडी होगा एक तरीके से। लेकिन अगर मेरे कोई भाई बंधु हैं या कुछ है, अगर उनने मेरे तो कुछ कह भी रखी है ना, या हमारी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, तो घमंड मत करना, क्योंकि घमंड अगर तुम कर लोगे तो खत्म हो जाओगे भाई। तो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है तैयार, ये निकले थार, अब निकलेगी स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो नहीं, हाँ भाई अब निकलेगी भाई अपनी हबीबी। ओए होए होए क्या चमक आ रही है रे भाई, नजर ना लगा थूक दो, अपने अपने फोन पर थूक दो तुम सारे, ठीक है भाई। मजा बांध दिया, मजा बांध दिया रे भाई। तुम्हें अगर कहीं भी आना हो तो देखो ये रहा डिटेलिंग स्ट्रीट, ठीक है, ये इनकी ब्रांच कहाँ कहाँ है, दिल्ली जम्मू मानेसर गुड़गांव गाजियाबाद, ओके। और भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा का सारा जो भी कुछ है लिंक वगैरह, लेकिन अभी इस पर 4 से 5 दिन मुझे पानी नहीं लगाने देना, पानी से बचानी है, पर पानी से बचाऊँगा कैसा, अगर ये टायर इसमें चला गया ना तो ऐसे छीटम छीट कर देगी पूरी ने, कोई नहीं संभाल के लेकर जाएंगे। मनीष तनु कह दूंगा मैंने भाई 5 दिन तो इसमें हाथ ही मत रखा, 5 दिन के बाद मिलेंगे। ओके भैया जी थैंक यू सो मच, गाड़ी आपने चमका दिया, दे दिया भाई दे दिया भाई भाई ने तो, यू अपनी है तुम्हारी है भाई, ठीक है। इसे हम बेच भी ना सके और सोच भी ना सके बेचने का, नहीं भाई इसे मैं ही लूंगा वापस, हाँ तो आपको ही देंगे, चलो ठीक है भाई, थैंक यू। चल भाई पटियाला बैठ, अब तो तसल्ली पड़ गई होगी भाई आप लोगों को, भाई क्या ही सुनाया तुमने, मैंने एक छोटा सा मजाक करा था, मैं चलो एक छोटा सा प्रैंक करके देखता हूँ, प्रैंक में तो तुमने हालत खराब कर दी मेरी, पर तुम्हारे भाई ने गाड़ी ऐसी करवा दी है बिल्कुल चमाचम, जो स्केचेस वगैरह दिखे करते वो अब खत्म हो चुके हैं बिल्कुल भी, अब नुए की चलाने में मजा आ रहा है, अपना जो थार पे काम होना था थोड़ा सा वो चलना था उस पर चकला सा वो चलवा लिया है, वो भी कति चमाचम हो रही है, स्कॉर्पियो भी और थार दोनों बढ़िया लग रही है, मतलब रोड पे चलती रोड भी कि हाँ भाई दो गाड़ियां जा रही है दिख रही है गाड़ी। और रही भाई बात हबीबी को बेचने की, तो भाई हबीबी कभी जिंदगी में ना बिके, बेफिक्र होकर रहना तुम, बढ़िया मौज में रहना है भाई। मैं कह रहा हूँ हबीबी के रही बेचने की, तो हबीबी कहाँ बिके कभी भी,
अभी भी ना भी क्या कभी भी जिंदगी में, हाँ अभी भी भाई अपने पास रहेगी और अपनी साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मतलब ये लगा लो तुम जितना दिल से प्यार करो ना इससे तो तुम्हारे प्यार भाई बिकाऊ नहीं है और ना ही मैं कभी बेकूंगा इसको। 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल जब तक ये अपने पास रहेगी, अपने पास ही रहेगी और यो ऐसे रहेगी मेंटेन रहेगी, ऐसा ना लगेगी कि भाई खराब होगी इसमें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करवाते रहेंगे तो अपने पास ही अपने बाल कंधे भी नू लिख जाएंगे, जायदाद तुम्हें जब भी मिलेगी अगर हबीबी को नहीं बेकोगे। हाँ अभी भी अपने पास रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑटो में बैठ के दो छोरी जा रही है और वो देख रही है ना भाई, ये इस वाली देखिए वो देख रही थी, अरे ये सामने वाली गाड़ी के सामने ऑटो जा रहा जो, अरे तुम तो दिखाऊंगे, मैं तुम्हें दिखा रहा था अभी, छोरी तो पटियाला नू कह रहा है कि ना गलत चीज है मत दिखा। ओके मैं पहुंच चुका हूं भाई संदीप पर के घर के, यहाँ पटियाला और संदीप चले गए हैं, ये भी अपनी गाड़ी खड़ी है और पीछे जो गाड़ी बैक हो रही है वो भी अपनी गाड़ी बैक हो रही है, तो अभी फिलहाल इसने खड़ी कर देता हूँ मैं घर पे और थार में फिर मैं छोड़ना आऊंगा, जो भाई थार ने लेकर आया ना मैं अंकुश है वहां छोड़ आऊंगा घर उसके, उसके बाद अपनी थार ने ले जाऊंगा वापस। अरे ले लेना आगे हॉर्न मार रहा है बेफालतू में, ठोकेगा यो इसके बस की ना चलानी, मैंने देख लियो बात तो। पर चलो गाइस अगर आपने वीडियो तक देख लिया तो उसको लाइक कमेंट से सब कुछ कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में।